तेजस्वी जी, आज वो दिन है जब वोट लोग करने वाले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, क्या कहेंगे आप? लोकतंत्र की त्योहार है और सुबह से बहुत अच्छे रिपोर्ट्स सब बूथ से आ रहा है। जनता बहुत उत्सुक है माननीय प्रधानमंत्री जी को तीसरी बार चुनाने के लिए। पीपल आर वेरी एंथुजियास्टिक और विशेष रूप में मुझे जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, मैं जो पिक्चर्स देख रहा हूं, बूथ्स में जो वीडियोस आ रहा है, बुजुर्ग लोग, सीनियर सिटीजन्स, वो हमेशा युवाओं से ज्यादा नंबर्स में आते हैं और युवाओं से ज्यादा उत्साह में वोट डालने के लिए वो आते हैं। उनसे प्रेरणा लेकर युवा भी आना है। बैंगलोर साउथ में 18 to 25 के बीच में 2 लाख से अधिक वोटर हैं। मैं ऐसे सभी युवा वोटर्स को व्यक्तिगत रूप से एक चिट्ठी भी लिखा था। कई सारे युवा बहुत उत्सुक है आने के लिए। मैं सबसे एक ही निवेदन करता हूं, लोकतंत्र में अपना मतदान करना एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है, बहुत बड़ा अधिकार है, साथ साथ वो कर्तव्य भी है। अगर आप ठीक नेता को, ठीक पार्टी को आप मतदान नहीं करेंगे तो आप 5 साल के देश के भविष्य को आप खतरे में डाल रहे हैं। सो प्लीज कम आउट एंड वोट इन बिग नंबर्स, वोट सो दैट इंडिया विल विन। पिछली बार भारी बहुमत से जो आपने जीत हासिल की थी, इस बार कैसी उम्मीद? इस बार हम प्रयास है, पिछले जो मार्जिन है उसको हम पार करेंगे। बहुत मेहनत हम किए हैं पिछले 30-40 दिन से। जितना हो सके उतने लोगों को फिजिकली संपर्क करने का बहुत प्रयास हुआ है। हम जहां जा रहे हैं वहां लोग राम मंदिर के उल्लेख कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस प्रकार से विकास किया है उसका उल्लेख हो रहा है। युवा विकसित भारत के प्रति बहुत एस्पिरेशनल चीज बात कर रहे हैं। बहुत पॉजिटिव वातावरण है। पीपल आर फाइटिंग दिस इलेक्शन, मुझे वो महसूस आ रहा है कि ये सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ रहा है।